ओके, अब शीट नंबर हैंड रिटन 8। अब इसके अंदर एक पॉइंट को समझो, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं हम पिछले एक या दो लेक्चर से, लेकिन काम सिर्फ पॉइंट चार्ज पे कर रहे हैं। पॉइंट 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 प्लस वन रख लो, इधर भी पॉइंट चार्ज, इधर भी पॉइंट चार्ज, प्लस वन रखो आंसर। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा लेवल चेंज कर रहे हैं। अब हम ई निकाल लेंगे, किसकी वजह से, किसी भी रिंग की वजह से, एक चार्ज्ड रिंग। अब रिंग इज नॉट अ पॉइंट चार्ज, रिंग में तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हमने सेम प्रॉब्लम की थी फोर्स को लेके भी की थी, याद है, रिंग वाला प्रॉब्लम किया था और हमने रिंग की एक्सिस पे एक चार्ज रखा था जिस पे फोर्स निकाली थी हमने। उस टाइम लगा था पता नहीं क्या लेवल हो गया हमारे साथ, पता नहीं लेवल उठ गया, लेवल कुछ नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी की डेरिवेशन है। तो फोर्स के अंदर जो मैंने करवाया कोई लेवल उवल थोड़ा, वो तो एनसीईआरटी की डेरिवेशन थी बेसिकली, वही चीज़ फिर से करवा रहा हूँ। तो ये एनसीईआरटी एक्सपेक्ट करता है आप रिंग की वजह से ई या फोर्स बड़े आसानी से निकाल सकें, और मुश्किल है भी नहीं। रिंग के केस में हमेशा एक रूल बताया, क्या, कि आप जो रिंग के एलिमेंट्स लेंगे वो एक नहीं लेंगे, वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट दो लेंगे, या था हमने डिस्कस। तो क्वेश्चन ये है कि एक रिंग है जिसके ऊपर चार्ज क्यू है, एंड आपको इसमें क्या निकालना है, आपको इस रिंग के एक्सिस के ऊपर ई निकालना है। जैसे ये रिंग है और ये इसका एक्सिस है, तो रिंग के, और ये चार्ज रिंग है, रिंग के एक्सिस के ऊपर आपको यहां ई निकालना है, जहां ई निकालना है वहां चार्ज प्लस वन रखना है। करें स्टार्ट, करें स्टार्ट। तो सबसे पहला काम, अगर आपको इस पे ई निकालना है तो ये चार्ज रिंग है, आप इसमें दो एलिमेंट्स लेंगे, एक एलिमेंट ऊपर ले लें कितना, डी क्यू, तो ये डी क्यू रेडियस रिंग का ए, आपने आर डिस्टेंस पे एक्सिस के ऊपर ई निकालना है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक। तो इसके अंदर डी क्यू, यहाँ आपने ई निकालना है, तो डी क्यू ने प्लस वन को क्या किया, रिपेल किया। तो मेरे ख्याल से क्लियर है, इस डी क्यू ने प्लस वन को रिपेल किया, तो कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया ई में, डी, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा है। क्लियर है यहां तक। उसी तरीके से एक एलिमेंट यहां ले लेंगे, स्मॉल एलिमेंट डी क्यू, तो डी क्यू की वजह से प्लस वन पे ये क्या लगाएगा, रिपल्शन, तो ये भी क्या कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, डी। हमने कितने एलिमेंट्स लिए, सिर्फ दो, एक ऊपर एक नीचे, तो डी क्यू ने डी ई लगाया, डी क्यू ने डी ई लगाया। क्या स्टेप क्लियर है, ठीक। अब मुझे ये समझ में आता है कि अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, थीटा थीटा वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट, तो डी ई के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, एक कॉम्पोनेंट डी ई कॉस थीटा और एक कॉम्पोनेंट डी ई साइन थीटा। ऐसे इस डी ई के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, एक कॉम्पोनेंट डी ई कॉस थीटा और एक कॉम्पोनेंट डी ई साइन थीटा। ऐसे किया था हमने, सेम काम फोर्स में किया था, डी एफ कॉस थीटा, डी एफ साइन, बट डी एफ की जगह डी। तो इसके अंदर डी ई साइन थीटा कॉम्पोनेंट एंड डी ई साइन थीटा कॉम्पोनेंट एक दूसरे को क्या कर गए, कैंसल। नेट ई की वैल्यू क्या आएगी, 2DE cos theta, पर प्रॉब्लम ये है कि हमने कितने एलिमेंट्स लिए रिंग के, सिर्फ दो, हमने रिंग के दो एलिमेंट्स लिए, तो दो एलिमेंट्स लिए और दोनों ने DE cos theta एक तरफ कॉन्ट्रीब्यूट किया, और हम ऐड कर सकते हैं, ऐसे पता नहीं कितने एलिमेंट्स होंगे। तो दो एलिमेंट जो लिए उन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया, 2DE cos theta, अगर चार एलिमेंट होते तो इस तरफ क्या आता, E, 4DE cos theta, अगर आठ होते तो 8DE cos theta, अगर एक एलिमेंट होता तो सिर्फ डी कॉस थीटा। तो हर एक एलिमेंट डी कॉस थीटा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो अगर मैं एक एलिमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करूं पूरी रिंग के लिए, तो डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा पूरी रिंग के लिए घुमाऊं, तो नेट ई कैन बी कैलकुलेटेड। तो इसीलिए जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आप 2DE cos theta की इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, आप सिर्फ DE cos theta की करेंगे। हाँ, दो एलिमेंट इसलिए लिए ताकि DE sin theta कैन बी कैंसल्ड बाई DE साइन थीटा, वो दिखाने के लिए थे कि दो एलिमेंट्स आपस में कैंसिल करते हैं उनके कॉम्पोनेंट्स, पर इंटीग्रेशन एक ही एलिमेंट का होगा। तो एक एलिमेंट लें जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन एक्स एक्सिस पे डी ई कॉस थीटा, तो आप यहाँ पर डी ई कॉस थीटा लिखें, डी ई की वैल्यू क्या होगी, इस डी क्यू ने इसे रिपेल किया तो डी ई क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो डी ई आ गया हमारे पास, किसकी किसकी वजह से, इस डी क्यू की वजह से। समझ में आ रहा है यहाँ तक,
तो 1/4 pi epsilon naught डी क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? तो इस डीई को आप यहां पुट करें एंड कॉस थीटा इस ट्राइंगल से लें, क्या आएगा? कॉस थीटा आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, तो ये आपने डीई पुट कर दिया, ये आपने कॉस थीटा पुट कर दिया। इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? रेज टू पावर 3/2। तो ये स्टेप भी क्लियर है। और आप ये एक एलिमेंट की वजह से सारी रिंग के लिए आप इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चार्ज है तो लिमिट भी किसकी लगेगी? चार्ज की लगेगी। अगर इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट है dx तो x की लिमिट लगेगी, अगर चार्ज है तो dq चार्ज की लिमिट लगेगी। तो चार्ज की लिमिट क्या लगेगी? टोटल चार्ज कितना है? q। तो टोटल चार्ज 0 से q करके इंटीग्रेशन से क्या आएगा? q। तो बाकी सब कॉन्स्टेंट्स हैं। ये फॉर्मूला टू बी रिमेंबर्ड है, इंपॉर्टेंट मार्क करो और टू बी रिमेंबर करो इसे। रिंग की वजह से e की वैल्यू का क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो रिंग की वजह से e का फॉर्मूला 1/4 pi epsilon naught आर इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज टू पावर 3/2। क्लियर है? फिर ए इज द रेडियस ऑफ द रिंग, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है यहाँ तक? तो ये आपके पास ई की वैल्यू आ गई। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो ये भी पूछ सकता है कि सेंटर ऑफ रिंग पे ई क्या होगा। जब आप सेंटर की बात करते हो, सेंटर ऑफ रिंग पे अगर आपको ई निकालना है तो आर को इस पॉइंट को यहां शिफ्ट करना पड़ेगा, तो आर को क्या लेना पड़ेगा? 0। तो आप जब आर को 0 लेंगे इसमें, न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा? 0। तो ई क्या हो जाएगा? 0। तो यानी कि एक चार्ज्ड, अगर हम रिंग लेते हैं तो अगर एक रिंग लेते हैं, एक चार्ज रिंग है, तो एक चार्ज रिंग है इस चार्ज रिंग के सेंटर पे नेट ई क्या होगा? आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जहाँ ई निकालना है +1, तो हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के ई को क्या करता जा रहा है? कैंसिल। सिमेट्रिकल बॉडीज के सेंटर पे फोर्स भी 0 होती है और ई भी 0 होता है, किया था हमने। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ये प्रूफ भी हो गया। और नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके अंदर सपोज करो एक स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है? उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीच बीच में बातें भी करते हैं, तो उनके लिए ठीक, और देख भी नहीं रहे फिर उसके बाद, तो उसके लिए अगर ये रिंग है, ठीक है, ये रिंग है और ये बहुत छोटी रिंग है, छोटी रिंग, रेडियस क्या है इसका? ए। और मुझे ई ढूंढना है बहुत दूर, ये रहा आर। तो वो जो एंड के स्टूडेंट हैं, बहुत दूर से देख रहे हैं, उनको ये रिंग नज़र नहीं आएगी, उनको पॉइंट नज़र आएगा। देखो ना कितनी छोटी है, पॉइंट है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? पॉइंट नज़र आएगा। तो अगर पॉइंट नज़र आएगा तो आर इज़ वेरी मच ग्रेटर देन ए, तो इसमें ए कैन बी निगलेक्टेड। तो आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, तो सॉल्व करके आपके पास ये आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि इस केस में रिंग इज एक्टिंग लाइक अ पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज का रिजल्ट एप्लीकेबल है। हालांकि करने की जरूरत नहीं है, आता नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि पॉइंट चार्ज है। अदरवाइज आएगा क्या? रिंग के सेंटर पे ई 0 प्रूव करने को आ सकता है, एक्सिस के ऊपर ई निकालने को आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? अभी अभी स्फीयर की बात नहीं करनी, वो ई 0 4 0 0 कुछ नहीं लगेगा।